हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिर से हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने ये पहला पेपर वन का टॉपिक कंसिडर किया जो मेरे ख्याल से आप लोगों को नॉर्मल आता है या आप लोगों को पता है। ठीक है, तो विदाउट गेटिंग डिले, पेपर वन का नाम आया, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए। ईजी बट लेंदी, तो मतलब ईजी होगा लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़े से लेंदी होंगे, तो इसलिए तैयार रहिए। यहाँ पे देखो हम क्या देखने वाले। आर यू एबल टू सी दिस? चलो क्या दिख रहा है? बिजली चमकती हुई दिख रही होगी आप लोगों को, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, है ना? सनलाइट या फिर यहाँ पे लाइट वगैरह लग रहा है, उसके हिसाब से आपको कुछ तो लग रहा है। व्हाट यू फील फ्रॉम इट? डू यू हैव एनी आइडिया? समवन विल से लाइटनिंग, वेरी गुड, लाइटनिंग वर्ड है। तो मेरे ख्याल से देखो बैकग्राउंड दिख रहा है, व्हाट इज अ लाइट नाउ? बैकग्राउंड में आपको अलग कलर विव्योर कलर्स दिख रहे हैं, तो व्हाट इज लाइट? क्या आपको मालूम है? अब ये बैकग्राउंड देख के बोलेंगे सर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेनी सच कलर, राइट? इट इज मेड अप बाय सच अ कलर्स। व्हाइट लाइट जो है वो इसी सब कलर से बना है, ये खुद एक लाइट है। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे एंगल से पूछूं कि लाइट क्या होता है, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसमें मुझे बोलते हैं सर लाइट इज अ लाइट विच गिव्स अस लाइट, है ना? लाइट वो लाइट है जो लाइट देती है। ओ तो ऐसे भी फैंटास्टिक आंसर आते, साइंस स्टूडेंट हो आप, कोई मुझे उसमें ये नहीं है कि कुछ अलग हो सकता है। तो यस, बस इट इज देयर द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, जिस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं चैप्टर द वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पस्कुलर नेचर वॉज डिस्कवर्ड बाई द मैन आइसेक न्यूटन। आइसेक न्यूटन ने 1642 टू 1726 के बिटवीन में बहुत सारी डिस्कवरीज की, उसमें ही उसने एक कॉर्पस्कुलर थियरी यूज किया। तो कॉर्पस्कुलर का मीनिंग क्या होता है? वेरी सिंपल, इसने बोला कॉर्पस्कल मीन्स अ स्मॉलेस्ट और फाइनेस्ट, आई यूज अ वर्ड, लाइट इज मेड अप बाय द वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल। तो स्मॉलेस्ट की वजह से जगह पे मैं अगर क्या लिखूं, वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो न्यूटन वॉज द ओनली पर्सन जिसने बोला कि लाइट इज कंपोज्ड अप ऑफ वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल, जिसको उसने नाम दिया कॉर्प्यूस्कल्स। ओके, ही नेम्ड इट एज अ कॉर्प्यूस्कल्स। तो उसने बोला कि लाइट का कॉर्प्यूस्कुलर नेचर होगा, ऐसा उसने अपनी थियरी डिस्कवर किया, इसलिए उसकी थियरी को कॉर्प्यूस्कुलर थियरी कहते हैं। न्यूटन्स कॉर्प्यूस्कुलर थियरी मे कैन बी आस्क इन एग्जाम, बट अब न्यूटन की कॉर्प्यूस्कुलर थियरी में एक्चुअल में चीजें क्या क्या थी? तो ही सेड दैट उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, न्यूटन्स थियरी प्रिडिक्टेड दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज इन डेंसर मीडियम वुड बी हायर देन दैट ऑफ अ रेयर मीडियम। उल्टा है जबकि रियल में क्या है, इसका उल्टा है। लेकिन उसने क्या बोला, लाइट तो सबसे पहले उसने बोला वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल से बना है, तो इट इज कॉल्ड एज अब कॉर्प्यूस्कुलर। कॉर्प्यूस्कल्स में उसने बोला स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि उसने कॉर्प्यूस्कल कंसिडर किया, उसने बोला स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में बहुत फास्ट होगी कंपेयर टू द रेयर मीडियम, ऐसा इसका प्रिडिक्शन था। ही प्रिडिक्टेड कलर्स ऑफ लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल। कॉर्पस्कुलर का अगर साइज छोटा है तो अलग कलर, कॉर्पस्कल का साइज बड़ा है तो अलग कलर की लाइट बनेगी, क्योंकि यही लाइट से लाइट इनसे ही बना हुआ है, ऐसा उसका थियरी था। ठीक है, ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट लाइक अ पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो टोटल रिफ्लेक्शन टोटल रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाए या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे, आप लोग लिख लो ये सारे पॉइंट्स को। ये पॉइंटर नंबर वन, दिस इज व्हाट इज योर पॉइंटर नंबर टू, दिस इज व्हाट इज योर पॉइंटर नंबर थ्री, पार्शियल रिफ्लेक्शन। ही वॉज ओनली टू एक्सप्लेन द पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन ही वॉज एबल टू प्रोड्यूस, एंड इट वॉज अ ड्रॉबैक ऑल्सो। ओके, उसकी थियोरी फेल हो गई, न्यूटन की थियोरी फेल हुई जस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन
इसकी ये थियरी का ये पॉइंट भी रॉन्ग था, उसने ये पॉइंट भी उसका रॉन्ग था, ड्रॉबैक है या फिर डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं। ही वाज ओनली टू एक्सप्लेन द पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, जो कि सही नहीं था। ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन काइंड की चीजें भी, ठीक है। तो हियर एवरी वन कम्स टू नो कि इसका थियरी इज नॉट गुड एंड दैट्स वाई वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मेनी साइंटिस्ट केम, जिसने अपनी अपनी थियरी एक्सप्लेन किया। बाद में द वेव नेचर की थियरी आई, दैट इज कॉल्ड एज अ वेव थियरी ऑफ लाइट। डच साइंटिस्ट सी यूजिन हैज क्रिएटेड, सम सेज हाइजीन, सम सेज यूजिन, आई यूज टू यूज अ वर्ड यूजिन्स। तो यूजिन इन दिस टाइम 1629 टू 1695, इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन 1668 ही प्रपोज्ड हिज ओन थियरी दैट लाइट इज अ वेव। तो ही वाज द परफेक्ट, इसीलिए न्यूटन की थियरी रॉन्ग हो गई, क्योंकि न्यूटन ने क्या बोला, लाइट एक टाइनी वेरी वेरी माइन्यूट पार्टिकल से बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। अगर ऐसा होता तो सोचो इतने सारे टाइनी पार्टिकल रोज आ रहे हैं, तो पूरा हमारा अर्थ क्या होता था, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, और पूरा अर्थ पूरा क्या हो गया होता, उससे भर गया होता। इसलिए उसकी थियरी रॉन्ग थी। वेव नेचर जब कंसिडर हुआ, साइंटिस्ट यूजिन हैज गिवन दिस कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेव। इस थियरी वॉज वेरी मच परफेक्ट। ही वॉज देयर, इसने प्रिडिक्ट किया दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयरर मीडियम एज कम्पेयर टू द डेंसर मीडियम, वो उसका पॉइंट नंबर टू था। न्यूटन ने क्या बोला, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट चेंजेस ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल, इसने पॉइंट नंबर थ्री बोला। द कलर ऑफ लाइट चेंजेस टू द चेंज इन लैम्डा, दैट इज अ वेवलेंथ, उसने बोला वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस। दिस पर्सन और दिस थियरी वॉज एबल टू एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमिनन इजीली, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसने देखो पार्शियली कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गाइस, इसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों एक्सप्लेन कर दिया। दिस मैन वॉज लाइक दैट, ओके। अब ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आए थे, ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन मेरी मेनी मोर थिंग, बट ओनली ड्रॉबैक ऑफ हिज थियरी, ही सेड दैट कि देर इज अ ल्यूमिनिफेरस ईथर मटेरियल, ठीक है, देर इज अ ल्यूमिनिफेरस ईथर, जिसको उसने हाइपोथेटिकल मीडियम बोला, और बोला ये मीडियम अगर मुझे मिलेगा तो मैं सारे रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, कोई भी फिनोमिना हो, मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। उसने बोला मुझे एक ऐसा ल्यूमिनिफेरस ईथर, हाइपोथेटिकल मीडिया समझा, जैसे देखो डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, वैक्यूम मीडियम, ऐसा उसने एक सोचा, ठीक है, ऐसा मुझे मीडियम मिलेगा तो मैं बाकी फिनोमिनन एक्सप्लेन कर पाऊंगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा हमें कुछ कभी नहीं मिला। नेक्स्ट, दिस थियरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट। अब ये नेचर ऑफ लाइट इसकी थियरी नहीं बता पाई कि ये ट्रांसवर्स इन नेचर है कि लॉन्जिट्यूडनल इन नेचर है। ये इसके थियरी के कुछ ड्रॉबैक्स है, नॉट अ टोटल ड्रॉबैक। ही वॉज द ओनली पर्सन जिसने लाइट को क्या बोला वेव, और जो हम कंसिडर करते हैं। बट जैसे जैसे और फिजिक्स आगे गया, द क्वांटम फिजिक्स आया, मॉडर्न फिजिक्स आया, वहां पे हमने कंसिडर किया कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इन द अर्ली 20th century इट वॉज एक्सेप्टेड दैट लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, मतलब बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, राइट। क्वांटम फिजिक्स में आपने पढ़े हैं, पढ़ेंगे या पढ़ते होंगे। तो इट वॉज डिस्कवरी, आप बोलोगे यहाँ पे एक जगह पे न्यूटन की थियरी रॉन्ग की गई, क्योंकि उसने सिर्फ पार्टिकल बोला, वेव थियरी को रॉन्ग बोला, उसने सिर्फ वेव बोला। और जब नेचर में अभी नया ये आया, तब से हमको ये पता चला कि बोथ आर करेक्ट, वो भी। लेकिन न्यूटन की थियरी टोटली करेक्ट नहीं थी, क्योंकि बाकी उसके अजम्पशन उसके बेस पे रॉन्ग थे गाइज, ओके। तो लेट अस मूव इन द वेव ऑप्टिक्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, द नेचर ऑफ लाइट, द वेव फ्रंट, ह्यूजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेस्ड ऑन ह्यूजेंस प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट इन मिरर लेंस एंड प्रिज्म, कोहेरेंट सोर्सेस, इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कलर्स इन थिन फिल्म, एज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट वन इज अ वेव फ्रंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ये वेव फ्रंट क्या है, तो योर नेचर ऑफ लाइट के बाद जो हमने सबसे पहले पढ़ा द
तो हमारा आता है वेव फ्रंट. इन द वेव फ्रंट अ वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू अ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. वेव फ्रंट को मैं अदर तरीके से आप लोगों ने देखा है, लाइट जब निकलती है तो अपने सामने ऐसे वेव फ्रंट बनाती, वेव का फ्रंट है, लाइट के सामने एक डिस्टेंस पे एक वेव है. देखो जैसा वाईफाई, वाईफाई आप लोगों ने देखा है, वाईफाई का सिग्नल कैसा होता है वो वेव फ्रंट को डिफाइन करता है. ठीक है, कम बैक. वेवलेट इज द पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू अ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. मैं बोलूंगा तो फ्रंट ऑफ लाइट, और सपोज दिस इज अ सोर्स एंड आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम अगर लाइट यहाँ से ट्रैवल करता है तो आफ्टर इंटरवल, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम अगर सारे लाइट को हम क्या करेंगे, बिकॉज लाइट मूव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो आई विल से द सेट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट अराउंड अ फिक्स सोर्स इन given time is also called as wavefront. Wavefront मतलब अगर आप सर्कल को डिफाइन कर लो तो वो भी वेवफ्रंट का डेफिनेशन होगा. ठीक है, अ सर्कमफेरेंस व्हिच इज ड्रॉन अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड रेडियस देन इट इज कॉल्ड एज अ वेवफ्रंट. तो आपका वेवफ्रंट का ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है गाइज. अ वेवफ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर इज आई टोल्ड यू एंड दे ऑल आर इन अ सेम फेज. अ लाइन परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट इज कॉल्ड अ रे. रे ऑफ लाइट आपको पता है, तो अ लाइन व्हिच इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ रे इज कॉल्ड एज अ वेवफ्रंट. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वेवफ्रंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में बहुत सारे डेफिनेशन आते हैं, तो मैंने बोला आप कोई भी लिख सकते हो गाइज. ओके, लेट अस डिफाइन. जो मैंने वहां पर डिफाइन किया ये रहा वेवफ्रंट, करेक्ट. एक पर्टिकुलर रेडियस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैंने एक रेडियस कंसीडर किया और उन सबको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे वेव फ्रंट मिलेगा. मैंने कैसा बताया, ये आपका वाईफाई है, ये देखो वाईफाई का ये सिग्नल बन गया, ये वेव फ्रंट है. एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देखो, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये क्या बनाएगा, आपको ये बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ वेव फ्रंट बॉयज. ओके, सो द स्टूडेंट्स मेक श्योर this is a spherical wavefront from a source of point. Very important types of wavefront जो मैंने यहाँ पे word मुझे use करना था वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको mention कर दूँ the types of wavefront. तो ये होते हैं actual में three types of wavefronts are there. First one is a spherical wavefront from a point of a source. Then plane wavefront which is formed at a finite distance, okay, which is formed at infinite distance. This is at a finite distance, this is at infinite distance from the source is called as a plane wavefront. And ye ho gaya aapka cylindrical wavefront, the wavefront which is formed due to the slit. Okay, cylindrical wavefront from a linear source, or a wavefront which is formed due to the presence of slit is called as a spherical wavefront. And third type of a wavefront is this plane wavefront. A wavefront which is formed at an infinite distance from the source is called as a plane wavefront. So types of wavefronts are there. Exam में आपके ये बहुत important question आएगा, wavefront क्या होता है और उसके types क्या होते हैं. तो बेटा आपको definition लिखना है, तीनों डायग्राम ड्रॉ किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको सिर्फ तीन और तीनों डिफाइन करना है. क्लोज टू द सोर्स जो बनेगा उसको आप स्फेरिकल बोलेंगे, अवे फ्रॉम द वेव जो बनेगा वो ये, और जो स्लिट यूज करके बनेगा वो वेव फ्रंट आपका होगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. ओके, हियर पिंक डॉट्स आर देयर, यू मे कैन सी द पिंक डॉट्स. आपको यहाँ पे सब जगह पे बेटा पिंक डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे पिंक डॉट दिख रहे, वो वेवलेंथ है. ब्लू एनवलप इज अ वेव फ्रंट एंड रेड लाइन इज अ रे ऑफ लाइट विच इज हियर. ओके, ह्यूजेंस कंस्ट्रक्शन और ह्यूजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ. ह्यूजेन ने एक सेकेंडरी वेवलेंथ का भी ये हुआ, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये सोर्स ऑफ लाइट है. ठीक है, इसके पास जो सबसे पहला वेव बनेगा वो क्या होगा, प्राइमरी. जो पहला वेव फ्रंट बनेगा वो प्राइमरी, दूसरा बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वो सेकेंडरी.
अब इसके आगे तीसरा बनेगा तो आप लोग बोलेंगे ये टर्शरी हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी सेकेंडरी है। ठीक है, इस सोर्स से सबसे पहला जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ये बराबर आपका प्राइमरी बनेगा। अब सेकेंडरी जब बनेगा, ये सेकेंडरी जो बन रहा है, सेकेंडरी वेवलेंथ जो बन रहा है, इसके लिए ये प्राइमरी, ये तीन सोर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये नए वेवलेंथ प्रोड्यूस करेंगे और नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, सेकेंडरी। सिमिलरली देखो, अब ये जब बनेगा तो ये इसके लिए ये सोर्स बन जाएगा। अब लाइट इसके लिए, इस वेव फ्रंट के लिए यहाँ से नहीं आ रही है, वो इस वेव फ्रंट से आ रही है। तो ये वेव फ्रंट इसके लिए क्या बन गया बेटा, प्राइमरी, मेन सोर्स बन गया। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का ही कॉन्सेप्ट होता है जो यूजिन ने कंसिडर किया। ठीक है, सपोज सेम सोर्स है, सोर्स से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए, ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, करेक्ट। अब उस सोर्स को फिर से आपने लाइट की तरह लिया, विच एमिट्स द लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, बेटा तो क्या बनेगा, एक और वेव फ्रंट बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए ये जरूर आपको एग्जाम में पूछेगा कैसे ड्रॉ करना है। तो आई जस्ट गिव यू द स्मॉल आइडिया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप सोर्स ड्रॉ करो, एक राउंडर, उसके पहले आप तीन लाइन किसी भी तीन डायरेक्शन में बेटा ड्रॉ कर लो, ऑल थ्री डायरेक्शन में। ठीक है, थ्री रेज आप ड्रॉ कर लो यहाँ से। अब क्या करो, एज आई टोल्ड यू, एक राउंडर ले लो, अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। यू टेक फोर ओनली, आई जस्ट लेट यू नो। आप 4 सेंटीमीटर पे क्या करो, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ये आपका क्या बन गया, प्राइमरी सोर्स। अब ये आपका बन गया, यहाँ पे देखो आपके नए सोर्सेस बन गए। ये सोर्स वन है, यहाँ पे मैं बोलूंगा सोर्स वन, सोर्स टू, सोर्स थ्री, ये भी अब क्या बन गए, इसकी तरह। आप यहाँ से भी चाहिए तो 3 लाइंस ड्रॉ कर लो, अदरवाइज इसी को सेंटर्स ऑफ सेंटर का सपोज करो, और यहाँ से आप क्या ड्रॉ कर दो बेटा, यू ड्रॉ वन वेव, आप एक वेव ड्रॉ करो, सॉरी एक सर्कल ड्रॉ कर दो ऑफ सपोज 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ले लो, और छोटा हो जाएगा इसलिए 2 सेंटीमीटर का आप ले लो। फिर यहाँ से भी वही सेम 2 सेंटीमीटर आप लो, यहाँ से भी वही सेम 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ज़्यादा ड्रॉ किया है, आप ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हो, बट ठीक है। देन अब यू हैव टू ड्रॉ, आपको इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। मैंने सेमी सर्कल क्यों बनाया, क्योंकि इसका लाइट, इस सोर्स का लाइट आगे की तरफ ज़्यादा इफेक्टिव होगा, पीछे की तरफ कम। अगर पीछे आप ड्रॉ करते हो तो साइंटिफिकली उसको डॉटेड लाइन बनाओ, अगर सर्कल पूरा करते हो आप डॉटेड लाइन बनाओ बेटा। ओके, तो एग्जामिनर को लगेगा आपको पता है कि ये सोर्स पीछे की तरफ कम इफेक्टिव है, आगे की तरफ ज्यादा लाइट ऑफ लाइट प्रोवाइड करेगा। अब इन सब सर्कल्स को आपको सारे सेंटर्स को ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन करने के लिए क्या करो, आप ऐसे हाथ से ड्रॉ करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे रखो, यहाँ से यहाँ तक आपने ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर लिया है और ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल, तो यहाँ पे आपके राउंडर का पॉइंट रखो और 6 सेंटीमीटर का एक ये ड्रॉ कर दो सेमी सर्कल। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का बेटा आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, बात खत्म। ठीक है, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके एग्जाम में आपको आइदर इट विल आस्क फॉर 2 मार्क्स और फॉर 3 मार्क्स, नहीं है तो भी आपको समझना चाहिए ऐसे वेव फ्रंट बनते हैं गाइस। ओके, तो न्यू वेव फ्रंट विच इज फॉर्म्ड, ओके, इज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब अगर मुझे क्या ड्रॉ करना है, इफ आई हैव टू ड्रॉ दी नेक्स्ट प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ करने हैं तो आपको सोर्स की जरूरत नहीं, या फिर आपने यहाँ पे सोर्स ड्रॉ किया तो देखो सोर्स के बाद ऐसे आगे लाइट आता जाएगा, एक लाइट इतना दूर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा भाई बेटा, एक लाइट इसी सोर्स से कुछ ऐसा आने वाला है, यू मे कैन सी दिस। इसका अब मैंने अगर छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया, अ वेरी स्मॉल पार्ट, तो ये कैसा दिख रहा है, हाउ डज इट लुक्स, अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, तो ये बन गया आपका प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करोगे, अब इसी को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल गो फॉर इट, सेम सोर्स लिया मैंने और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, सोर्स
सोर्स से रे ऑफ लाइट, नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट, क्योंकि सोर्स बहुत दूर रहने वाला है तो वहां से कोई डायरेक्ट लाइट नहीं आने वाली, मैंने बोला बहुत दूर है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको सोर्स वन, वापस से उसकी तरह सोर्स वन, सोर्स टू, सोर्स थ्री, तीन या चार लाइन आप जो भी ड्रॉ करो, सोर्स फोर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का फिर से सर्कल ड्रॉ कर दो ऑफ 2 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने जैसा बोला आगे इफेक्टिव और पीछे कम इफेक्टिव, ऐसे आप पॉइंट्स ड्रॉ करो, शायद वो उसको कट करे नहीं करे। फिर आप इन सब के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, बेटा ये स्ट्रेट लाइन दूर तक बना के रखो, काफी दूर तक, तो ये पॉइंट्स इसके सेंटर को टच कर देंगे और आपको न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा, विच यू मे कैन सी है। जैसा मैंने देखा, स्मॉल पॉइंट्स ले लो, सर्कल बेटा ड्रॉ कर दो और इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो यू विल गेट अगेन स्ट्रेट लाइन विच इज अ न्यू वेव फ्रंट, दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। इज इट ओके? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम टू ड्रॉ एंड प्रैक्टिस गाइज। ओके, यूजिन्स का प्रिंसिपल क्या होता है, सेकेंडरी वेवलेंथ क्या होता है और कैसे नई चीजें डेवलप होती है। इज इट ओके? तो कैन आई रब दिस? आपको नहीं समझा तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। तो आई विल रब, क्योंकि मुझे आपको यूजिन का प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन करना है कि व्हाई यूजिन हैड सेड दिस, क्योंकि नया वेव फ्रंट बन रहा है, क्यों बन रहा है, ठीक है। इसका तो वेरी वेरी सिंपल पॉइंट है, आई विल एक्सप्लेन यू, बट बिफोर दैट एज आई टोल्ड यू, ठीक है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ लाइट, बराबर। हर एक पॉइंट पे जो नया सोर्स है वो अपने आप को एक नया सोर्स मानता है, राइट, लेकिन वो सेकेंडरी होता है। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द फॉरवर्ड एनवेलोप ऑफ ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट टाइम, बराबर। इन सब सोर्सेस से फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो सब एक नया वेव फ्रंट मुझे बना के देंगे। तो इन अदर वर्ड आई कैन से दैट backward wavefront is rejected, why? Is it clear? backward wavefront जो मैंने बोला पीछे का rejected क्यों है, क्योंकि मैंने explain किया, क्योंकि ये source main source है, इसका intensity ज़्यादा रहेगा, ये उसके सामने छोटा सा LED रखा है, suppose ये आपका घर का बड़ा bulb रखा है, इसके सामने एक छोटा सा LED रखा है, तो LED अपने आगे की तरफ ज़्यादा wavefront या light produce कर सकता है compare to पीछे की तरफ, क्योंकि ये इसी से बना हुआ है, इसकी इंटेंसिटी इसके कंपेयर में कम होगी, इसकी इंटेंसिटी मेन सोर्स के इंटेंसिटी से कम होगी, एंड दैट्स व्हाई। इसको मैं अदर वे में आपको एक्सप्लेन करूं, सो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स एंड इट एमिट्स द वेव फ्रंट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। एवरी पॉइंट ऑन द सोर्स एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स एंड एमिट्स द लाइट ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ which are moving only in forward direction, okay? They are very good into the forward direction. तो आप ये point भी लिख सकते हैं, otherwise जो मैंने यहाँ पे mention किया है, बेटा आप लोग लिख सकते हैं। Please write down, ये सारी चीज़ें important है, without writing you can't understand. So go for it, write down and then we'll move forward, okay?